अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू स्टार्ट करने से पहले जो एड्रेस है भाई उसको मैं एकदम काट देता हूँ कि आप लोगों को दिखे ना भाई। अब दिखने को काफी सही लग रहा है, मतलब अब आप मेरा एड्रेस वगैरह नहीं देख सकते, अब इसका कर सकता हूँ मैं इसका अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू आफ्टर यूजिंग 7 डेज। पहले मैं अनबॉक्स करके मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, फिर आफ्टर 7 डेज में रिव्यू दूंगा कि एक्चुअली ये कैसा है। एंड बाय द वे मैं बता दूं, इसको मैंने परचेस नहीं किया, मेरे को कुछ दिन पहले मेल आया था लीफ की तरफ से, क्या सर आप हमारा प्रोडक्ट को रिव्यू करना चाहते हो? आई वॉज लाइक हाँ क्यों नहीं करना चाहता हूँ भाई, भेज दो। तो आ गया मेरे पास। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि अगर ये प्रोडक्ट भेजा गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूंगा, जो ऑनेस्ट रिव्यू होगा वही मैं बताऊंगा। अच्छा होगा तो बोलूंगा अच्छा है, ले लो, नहीं होगा तो मैं सीधा बोल दूंगा भाई मत लो, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो फुल एंड तक जरूर देख लेना। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हो टेक अनबॉक्सिंग चैनल को। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना नोटिफिकेशन बेल क्लिक करके, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये अनबॉक्सिंग, और कुछ सजेशन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहां देख सकते हो बॉक्स पैकेजिंग आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस करोगे आप लोग तो आपको कुछ इस तरीके से पैकेजिंग मिलेगा। प्रीपेड है और इसका जो प्राइस है ये 1500 का देखने को मिलता है। आई होप आपको दिख रहा हो कैमरा में। और फटाफट भाई इसका जो सील है उसको ब्रेक कर देता हूं। ओके सो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से बॉक्स आपको देखने को मिलता है। बॉक्स काफी सही सही आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर में ब्रांडिंग एंड लोगो देखने को मिलता है लीफ का। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसका इमेज है, यहाँ पे लिखा है रश RUSH रश, एंड यहाँ पे नीचे लिखा है वायरलेस ईयरफोन। बैक के तरफ में देखोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे प्लस माइनस पॉज ये सब चीज के बारे में बात किया हुआ है। यहाँ पे वारंटी रजिस्टर को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। यहाँ पे बारकोड स्कैन करना पड़ेगा आपको इसका वेबसाइट में जाके। और इसके तरफ में यहाँ पे ब्रांड जैसे लीव लिखा हुआ है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे MRP लिखा है जो कि 2499 रुपीज़ में। साइड की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेक्स हाईलाइट किया है, ये सबके बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो में। उससे पहले भाई सील को ब्रेक कर देता हूँ। और बाय द वे इस वीडियो में इसका गिव अवे भी है, तो क्राइटेरिया क्या है उसके लिए वीडियो को फुल एंड तक देखना बिना स्किप करे। ओके सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, बॉक्स जो है वो एम्प्टी हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज मिलता है वो मैं बता देता हूँ क्या क्या है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिलता है, साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो या फिर गुम हो गया तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको USB-C Type देखने को मिलता है, ये बहुत सही चीज है 1500 रुपीज के अंदर में आपको USB-2। और यहाँ पे आपको एक यूजर मैनुअल बुक मिल जाता है कि ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो, कैसे कनेक्ट करना है, कौन सा बटन का कैसा कैसा फंक्शन है, कैसे नेक्स्ट होगा, पॉज प्ले वगैरह वगैरह ये सब के बारे में है। अब डायरेक्ट भाई आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट के तरफ में। आपको प्रोडक्ट यहाँ देखने को मिलता है, मेरे पास जो आया है भाई ब्लैक कलर है। बाय द वे इसका जो ब्लू कलर है वो मेरे को ज्यादा पसंद है। ओके ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले बात कर लेते हो ओवरव्यू का, तो यहाँ पे इस तरफ में आपको बटन देखने को मिलता है अप एंड डाउन का। बटन का क्वालिटी भी आपको काफी ठीक ठाक देखने को मिलता है, एक लाइट इंडिकेटर भी है। इसके अलावा साइड में आपका चार्जिंग जगह है, तो इसको एक बार मैं खोल के देखता हूँ। भाई बहुत मुश्किल से खुला है। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट देख सकते हो, सी टाइप का आपको देखने को मिलता है, काफी ज्यादा ही स्ट्रगल किया मेरे को खोलने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका भी क्वालिटी काफी ठीक ठाक है, आप एकदम ऐसे मतलब पॉकेट में आप हटा सकते हो। दूसरी तरफ में आपको कुछ भी नहीं मिलता, बस आपको ब्रांडिंग मिलता है लीफ का, आई थिंक बैटरी का जगह होगा। उसके बाद अगर यहाँ पे तार का मैं बात करूँ तो यहाँ पे फ्लैट वायर देखने को मिलता है, तो ये एक अच्छा चीज़ है। फ्लैट वायर काफ़ी मेरे को ऐसा लगता है कि क्वालिटी अच्छा है, जल्दी नहीं टूटेगा एज कम्पेयर टू जो राउंड वाला होता है, फ्लैट केबल काफ़ी सही है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है लेफ्ट एंड राइट, और यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलता है, और ये जो है मैग्नेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक है वो उतना कुछ खास नहीं है, मतलब है, मतलब दिया हुआ है, यूजफुल है, लेकिन अगर कोई भी अगर हल्का सा भी अगर ऐसा करेगा ना तो ये आराम से टन जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा आपको यहाँ पे ये एक्स्ट्रा दिया है, इसको आप निकाल भी सकते हो, जैसे आप अगर आप जिम करते हो, रनिंग करते हो, तो उस टाइम में आपको ये काम पे आ जाएगा। आप आराम से इसको लगाओ और यहाँ पे ईयर के अंदर में आप इसको आराम से फंसा लो, तो क्या होगा कि रनिंग वगैरह करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भाई ये तो बात रहा था ओवरव्यू का। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी का बात करूँ तो यहाँ पे आपको टोटली प्लास्टिक देखने को मिलता है, लेकिन हाँ यहाँ पे आई थिंक सो आपको थोड़ा मेटल टाइप का फिनिशिंग मिल जाता है। इसके अलावा भाई एक माइक्रोफोन आपको मिलता है, वो भी इसमें, जिसमें भाई बटन है ना उसी में आपको माइक्रोफोन देखने को मिलता है पीछे की तरफ में। और इस वाला में तो कहीं पर भी मुझे होल देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं वेट का बात करूँ भाई आपको इसको वेट कितना मिल जाता है, तो भाई वेट भी देख लेते हैं। आई थिंक सो भाई लाइट वेट तो बोला हुआ है, लाइट वेट ही है, तो भाई 25 ग्राम का देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली ये लाइट वेट ही आप बोल सकते हो। इसमें आपको 10mm का ड्राइव के साथ आता है, IPX4 प्रोटेक्शन के साथ आता है, ब्लूटूथ 5 के साथ आता है, और डबल पेयरिंग तो आप इसमें कर ही सकते हो, वॉइस एक्टिवेशन है जैसे गूगल हो गया वो सब आपका इसमें चलता है। अगर चार्जिंग टाइम का बात करें तो ऑन पेपर भाई बताया हुआ है कि 30 मिनट के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है। इसके अलावा फुल चार्ज होने का भाई 12 घंटे का आपको बैटरी प्लेबैक मिल जाएगा, और 10 मिनट अगर आप चार्ज
चार्ज करोगे तो आपको 8 आवर का बैटरी प्लेबैक मिल जाएगा, जो कि काफी सही चीज है। 10 मिनट चार्ज करो भाई, थोड़ा सा टाइम निकाल के और 8 घंटा आराम से इंजॉय करो। वैसे डे टू डे लाइफ में देखूंगा भाई कैसा ये काम करता है। तो भाई अब मैं इस वीडियो को यहीं पॉज करता हूँ और आपको मिलता हूँ कुछ सेकेंड में 7 दिन बाद, ठीक है? और कैसा एक्सपीरियंस है सब कुछ मैं आपको शेयर करूंगा। जितना भी स्पेक्स था ये तो मैंने अनबॉक्सिंग टाइम आपको बता दिया, लेकिन अब मैं बताता हूँ रियल टाइम यूजेस में बैटरी का क्या परफॉर्मेंस निकल के आया। कंपनी क्लेम करता है कि 30 मिनट के अंदर ये फुल चार्ज हो जाएगा, तो 30 मिनट के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है और एक बार फुल चार्ज होने के बाद आपको 12 आवर का बैटरी प्लेबैक मिल जाता है। लेकिन मेरे केस में उतना नहीं मिला, मेरे को मिला 9 आवर और मेरा जो वॉल्यूम था वो लगभग 80 से लेके 90 का मैंने वॉल्यूम बीच पे रखा था। और कंपनी भी बोलता है कि अगर आप 60% रखोगे तो आपको मिलेगा 12 घंटा का। इसमें एक और चीज अच्छा है, क्विक चार्ज। अगर आप 10 मिनट के लिए चार्ज करते हो तो आपको 8 आवर का बैटरी प्लेबैक मिलेगा, 8 आवर तो नहीं मिलेगा, उस केस में आपको 5 आवर आराम से मिल जाएगा। लेकिन सो गाइस अब बात कर लेते हैं गिव अवे के बारे में। किसी एक लकी विनर को ये मिल जाएगा और क्या क्राइटेरिया है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इस चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब और इस वीडियो को भाई टारगेट रखना है भाई 500 लाइक्स का। तो जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाता है इसका मैं कर दूंगा गिव अवे, और ये गिव अवे पे चलेगा भाई 2 मंथ्स का। तो 2 मंथ्स के अंदर में जैसे 500 लाइक क्रॉस होता है ये आराम से आपको किसी एक जन को मिल जाएगा, मैं लाइव आऊंगा और इसका विनर निकाल दूंगा। और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे अनाउंस करूंगा लाइव आके, तो वहां पे प्लीज मुझे फॉलो कर लेना टेकी अनबॉक्सिंग यूजर नेम है, ठीक है? चलो रेंज का बात करूं तो ब्लूटूथ रेंज काफी कमाल का देखने को मिलता है, ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है। मैं स्टूडियो में बस अपना फोन को छोड़ देता हूं और भाई मैं पूरा हॉल किचन में जाता हूं तब जाके डिस्टर्बेंस मेरे को मिलता है, लेकिन हॉल वॉल में पूरा घूमता हूं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। तो कनेक्टिविटी के मामले में एकदम तगड़ा सीन है, फोन में भी इजीली कनेक्ट हो जाता है, आप इसको ऑन करो ऑटो पेयर हो जाता है, बहुत सही चीज है। साउंड क्वालिटी बात करने से पहले मैं आपको एक चीज रिकमेंड करता हूं, इसका एक ऐप आता है प्ले स्टोर में, आप डाउनलोड कर सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो लीव बोल के ऐप है और इसको आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप इसको ओपन करोगे ना कुछ कुछ आपको बोलेगा करने को, वो आप कर देना। एक चीज कमाल का है कि आपके कान के हिसाब से ये जो साउंड है वो एडजस्ट करके देता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता के देता हूँ, यहाँ पे मैंने पहले से करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख लो, एक आपको मैं दिखाता हूँ रीटेक हेयरिंग टेस्ट, ठीक है? जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक साउंड आएगा, ठीक है? मेरे को यहाँ पे एक मिनट, हाँ यहाँ पे मेरे को स्टार्ट में क्लिक करना है, स्टार्ट में क्लिक करते ही एक साउंड आएगा। तो एज सून एज पॉसिबल आपको जैसे साउंड आपको सुनाई देता है तो आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे मेन चीज स्टार्ट होगा। जैसे आप स्टार्ट में क्लिक करोगे 3 2 1 यहाँ पे मेरे को साउंड सुनाई दिया, मैंने क्लिक कर दिया, फिर साउंड सुनाई दिया, क्लिक किया। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना भी साउंड है जैसे आपको हल्का भी सुनाई दे आपको क्लिक कर देना। इस तरीके से क्या होता है, ये ना फिगर आउट कर लेता है कि आपका कान जो है वो कितना मिड बेस जो भी है वो सुन पा रहा है, कितना लेवल में सुन पा रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है, आप नॉर्मल में भी सुन सकते हो, नॉर्मल मतलब अपने आप जो इसका बेसिक है उसमें चलेगा। दूसरा अगर इसमें आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे बेस को एडजस्ट कर सकते हो, और बेस में भाई इतना एडजस्ट हो जाता है कि आपका कान ना हिलना स्टार्ट हो जाता है लिटरली। सो इस तरह में मेरा माइक है तो एक डेमो देता हूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। यहाँ पे आपको मालूम चल गया हल्का सा साउंड डेमो के हिसाब से। अब मैं बात करता हूँ साउंड क्वालिटी को लेकर। तो साउंड क्वालिटी मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है, आपका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम लेवल भी आपको काफी ज्यादा हाई देखने को मिलता है। एक बार अगर आप इसको लगाओगे ऐसे क्या होता है कि कान जो आपका एकदम ढक जाता है, इसकी वजह से आपका जो बाहर का बैकग्राउंड है नॉइज वो अंदर तक नहीं आता है। उसके बाद में जैसे आप इसको फुल साउंड करते हो ना एक्सट्रीम मजा आ जाता है, एकदम लाउड आपका आवाज आएगा और जो वोकल्स है वो भी क्लियर है, बेस भी आपको देखने को मिलता है, प्लस आप यहाँ पे बेस कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर आपको बेस ज्यादा चाहिए वोकल आपको कम चाहिए तो वो भी आप इसमें कर सकते हो ऐप में। अब बात कर लेते हैं माइक को लेके, कॉलिंग का टाइम आपको माइक क्वालिटी कैसा मिलता है। तो एक आपको डेमो देता हूँ फोन करके। हाँ कुछ बोलियो, साउंड कैसा आ रहा है मेरा? नॉर्मली है। नॉर्मली है मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बैकग्राउंड नॉइस वगैरह कुछ आ रहा है क्या? नहीं रहे। नहीं, वो एक्चुअली एक नया हेडफोन निकला है कि लीफ की तरफ से, लीफ रश। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसमें आप गेमिंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। भाई 7 दिन से मैंने पबजी वब्जी खेल के देखा, टेस्ट बहुत ज्यादा किया, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप इसमें पबजी ना खेलो, क्योंकि भाई ना कंपनी ने कहीं क्लेम किया ना ही ये बॉक्स में भी आपको कहीं पे मेंशन किया कि इसमें आपको लो लेटेंसी मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यस, पबजी के लिए नॉट रिकमेंडेड, नॉर्मल गेमिंग वेमिंग कर सकते हो। लेकिन हाँ, साउंड में क्या होता है भाई, अभी अगर आप किसी एनिमी को किल कर रहे हो मतलब बुलेट अगर चला रहे हो तो इसमें थोड़ा कुछ सेकेंड्स का आपको लेट देखने को मिलता है। तो गेमिंग के लिए नॉट रिकमेंडेड, वैसे बाकी
सारे काम के लिए एकदम ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप स्पोर्ट लवर हो, फिटनेस पे रहते हो, रनिंग बहुत ज़्यादा करते हो, जिम जाते हो, उस कंडीशन में आपको ये परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई करना चाहिए, बिकॉज आपको एक तो ये IPX4 रजिस्टर के साथ आता है, तो ये आपका स्वेट रजिस्टर है। दूसरा बात क्या है कि ये मैग्नेटिक है, उसके बाद में आपका ये ईयर लॉक के साथ आता है, तो ये आपको क्या करता है, जो अगर आप इसको कान में लगाते हो ना, तो ये आराम से ईयर को लॉक कर देता है, तो ये इतना आसान नहीं कि ये गिर जाएगा। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा लीव रश वायरलेस ईयरफोन के बारे में। अब आपको इसको किस कंडीशन में लेना चाहिए, आपको ये क्यों लेना चाहिए, ये मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहला चीज, अगर आप साउंड लवर हो, अगर आप सॉन्ग लवर हो, सॉन्ग बहुत ज्यादा सुनते हो, तो उस कंडीशन में आप ले सकते हो। अगर आप बेस लवर हो तो भी आप ले सकते हो। अगर आप फोन कॉल्स बहुत ज्यादा अटेंड करते हो तो भी आप ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, या फिर आप खुद स्टूडेंट हो, ऑनलाइन क्लास लेते हो, या फिर वीडियो कॉल्स पे बहुत ज्यादा रहते हो, तो उस कंडीशन पे ले सकते हो, बिकॉज इसका जो साउंड है वो सुपर्ब है, कोई भी कंप्लेन नहीं आने वाला है। दूसरा, इसका माइक भी आपको सुपर्ब देखने को मिलता है, कोई भी कंप्लेन नहीं आएगा उस कंडीशन में भी। और अगर आप फिटनेस के तौर पे देख रहे हो, जिम वम करोगे, तो उस पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो भी आप ले सकते हो, बहुत ज्यादा लाइट वेट देखने को मिलता है। तो हाँ, इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप डायरेक्ट जाके वहां से परचेस कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, अगर यहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो छोटा सा लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल कर दो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना। कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।